वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पैकेजेस। आपके पास कंप्यूटर होता है, हर एक के पास होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। उस कंप्यूटर में आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, हर यूज़र के पास अपना डेटा होता है। आपके पास सॉन्ग्स होंगे, वीडियो सॉन्ग्स होंगे, ऑडियो सॉन्ग्स होंगे, मूवीज़ होंगी, आपके पास नोट्स होंगे अपनी स्टडी के रिलेटेड, और आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा होगा। तो आपने उस डेटा को मुख्तलिफ फोल्डर्स में, मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज किया होगा। किस बुनियाद पे? डेटा के बिहेवियर के बुनियाद पे और उसकी फंक्शनैलिटी की बुनियाद पे। यही काम हम जावा लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं पैकेजेस को इस्तेमाल करते हुए। पैकेज क्या है? पैकेज इज़ नथिंग बट अ सिंपल फोल्डर। पैकेज को आप एक सिंपल फोल्डर की तरह ही कंसिडर कीजिए। पैकेजेस आर यूज टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। पैकेजेस हम इस्तेमाल करते हैं क्लासेस को कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, उसमें हमारे पास हो सकता है 50 क्लासेस हों और हर क्लास की फंक्शनैलिटी अलग हो, उसका बिहेवियर अलग हो। तो क्लासेस को कैटेगराइज करते हैं हम उसकी बिहेवियर और उसके फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर। तो हम डिफरेंट पैकेजेस में रख देंगे एक जैसी फाइल्स को एक पैकेज में, और दूसरी टाइप्स की क्लासेस को हम एक पैकेज में रख देंगे। इस तरह हम उनको ऑर्गेनाइज कर देंगे। पैकेज मैंने आपको बताया सिंपल एक फोल्डर की तरह ही, आप उसको समझ लीजिए, और एक फोल्डर ही होगा। ऑल प्री डिफाइंड क्लासेज आर ऑर्गेनाइज इन पैकेजेस। जितनी भी जावा के अंदर जो प्री डिफाइंड क्लासेज हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स ने बनाई हुई हैं, उनको उन्होंने उनकी बिहेवियर और फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर पैकेजेस में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हमको भी चाहिए एज अ प्रोफेशनल कि हम भी उसी कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करें और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने डेटा को रखें। अब हम देखते हैं कि हम पैकेज को क्रिएट किस तरह करते हैं जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं। मैं क्लास बना रहा हूँ हेलो, इसके अंदर सिंपल मैंने इसका मेन मेथड लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। एक मैंने सिंपल जावा का बेसिक प्रोग्राम बना लिया। मैं इसको सेव करता हूँ। नेक्स्ट टॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम भी फोल्डर है। उस फोल्डर में इसको सेव करता हूँ हेलो डॉट जावा के नाम से। अब ये फोल्डर नाम का जो फोल्डर है उसमें ये स्टोर होगी हेलो डॉट जावा के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉट जावा फाइल के अंदर मैं दो तीन क्लासेस बनाऊं और वो क्लासेस एक पैकेज के अंदर जाएं। डॉट जावा फाइल है ये तो यहाँ पे ही रहेगी, इसने पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं होना। सिर्फ डॉट क्लास फाइल जो बने, जितनी भी हम दो या तीन क्लासेस बनाएंगे वो उस फोल्डर यानी पैकेज के अंदर इंक्लूड होंगी। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक कीवर्ड है जावा के अंदर पैकेज। पैकेज कीवर्ड लिखने के बाद आप उस पैकेज का नाम लिखें जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने सिंपल पैकेज का नाम रख दिया पैक और उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया। अब ये है कि हम इस डॉट जावा फाइल के अंदर हेलो डॉट जावा, ये हमारी सोर्स फाइल है, इसके अंदर हम जितनी भी अब क्लासेस बनाएंगे वो सारी पैक नाम की पैकेज यानी फोल्डर में स्टोर हो जाएंगी। तो मैं एक और क्लास बनाता हूँ क्लास ए, सिंपल एक क्लास बना दी, इसमें मैं कोडिंग कोई नहीं करता। अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल और रन और फिर देखते हैं कि पैकेज किस तरह क्रिएट होता है। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम भी फोल्डर है।
अब हम इसको करेंगे कंपाइल। अब जब हम पैकेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो कंपाइल करने के लिए हम एक कमांड अलग तरह की लिखते हैं। पहली वाली कमांड हम यूज़ अब नहीं करेंगे, जावा सी पहले तो था, अब जावा सी के बाद डायरेक्ट प्रोग्राम का नाम लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जावा सी लिखने के बाद स्पेस देके अब लिखेंगे हाइफन डी स्पेस डॉट और उसके बाद आप फाइल का नाम लिखेंगे हेलो डॉट जावा। अब उसने एरर दे दी, उसको ये फाइल नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही देखते हैं अब इसको। हाँ, जो हमारी क्लास है उसका नाम है हेलो HELLO और जब हमने फाइल क्रिएट की तो इसको हमने नाम कोई और दे दिया, HELLOW लिख दिया, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है। अब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस हेलो डॉट जावा जो कि फाइल का नाम है। अब ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा हो गया और आपने देखा कि यहाँ पे पैक नाम का एक फोल्डर बन गया जो कि हमारा पैकेज है। अब चेक करते हैं इसके अंदर, हाँ जी इसके अंदर दो क्लासेस हैं हमारी, ए डॉट क्लास और हेलो डॉट क्लास जो कि हमने इस फाइल में क्रिएट की थी। अब जो हेलो डॉट जावा हमारी सोर्स फाइल है इसके अंदर अब हम जितनी भी क्लासेस क्रिएट करेंगे वो इस सिंपल जो पैकेज हमने क्रिएट किया इसके अंदर इंक्लूड जाएंगी पैक नाम के फोल्डर में। अब देखते हैं कि जब हम पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी फाइल है उसको हमने रन किस तरह करना होता है। रन करने के लिए लिखेंगे सिंपल जावा स्पेस पैकेज का नाम डॉट फाइल का नाम। अब इसने कोई आउटपुट प्रिंट नहीं करवाई क्योंकि हमने कोई कोडिंग नहीं की हुई थी, कोई स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक पैकेज में हम जब हमने कोई क्लास बना ली तो हम किस तरह उसको दूसरे पैकेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।